तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं कि यह यूपीएससी 2019 के हुए एग्ज़ाम 2 मई को इसका जो है सेकेंड पार्ट है। अगर अभी तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जो है जाकर देख सकते हैं। ऊपर जो है आई बटन पर भी लिंक है और यह जो है सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो गया है। तो अब सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है सेवा क्षेत्र उपागम जो है उपागमन किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका आंसर डी है, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत था। तो दोस्तों अब आते हैं सेकंड पर 62 पर, तो इसका आंसर आपको मैं पहले से बता दूं तो इसका आंसर जो है तीनों होने वाला है, तीनों जो है 1, 2 और 3। तो इस पर जो है देखते हैं, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन पर विचार कीजिए, यानी कथन पर हमें विचार करके आंसर देना चाहिए। इसका जो है तीनों जो है सही आंसर है, डी जो है इसका जो है सही आंसर है, यानी कि इस क्षेत्र के विज्ञान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है और गौण खनिजों के खनन पट्टी प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। और तीसरा है गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने शक्ति राज्य के पास है। तो दोस्तों यह अब 63 पर आते हैं, 63 पर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहे हैं भारत का अधिकांश विदेश ऋण सरकारी सत्वों के ऋण होने के द्वारा है, फिर भारत का सारा विदेश ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्गों में है। दोस्तों 63 का सही आंसर को बता दो कि जो है सी दोनों ही जो है सही आंसर है। फिर दोस्तों 64 पर आते हैं, जिस पर बोला जा रहा है कि भारत में किसी वाणिज्य बैंक में परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि 64 का जो है सही आंसर डी होने वाला है, डी मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, फिर मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के आधार पर। फिर दोस्तों 65वें पर आते हैं, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस और किन कारक और कारकों का योगदान है। दोस्तों 65 का सही आंसर आपको बता दूं कि इसका जो है सही आंसर बी में बोल रहा है केवल 1 और 3। तो इसका 1 और 3 जो है सही आंसर, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का और दूसरा विदेश भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। फिर दोस्तों यानी कि 66 पर है, निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसके ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक सुझाव ना हो या उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक भाग नहीं लिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको जो है कमेंट करके बताना है। फिर जी हाँ दोस्तों, फिर आते हैं अगले पर, इसका आपको सही आंसर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डी, सहभागी पत्र पार्टिसिपेटरी नोट्स। जी हाँ दोस्तों 67 का। फिर 68 पर आते हैं, इस पर बोल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है तो इसका सही आंसर आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। फिर दोस्तों 69 पर आते हैं, फिर भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र नियमों को पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित कौन करता है। तो दोस्तों 69 का आंसर आपको भी कमेंट करके बताना है, 69 और 67 का मेरे को पता नहीं है, इसी वजह से इसका जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आप जो है, अगर आप जो भी इसका आंसर सही लगता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताना है, बहुत ही ज़रूरी है। फिर दोस्तों अगला, यहाँ दोस्तों इस पर आते हैं 71 पर, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है तो इसका जो है सही आंसर सी है, ANXC इसका सही आंसर है, केवल 1 और 3 जो है सही आंसर है। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं और तीसरा है AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर ऋणदाता करा इंटर क्रेडिटर एलिमेंट्स पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 72 का आंसर जो है डी होने वाला है, डी में जो है 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्ति परिसंपत्तियां स्ट्रक्चर स्टेट का जो है जो सहसंग आधारित होता है, इसका जो है सही आंसर जो है डी होने वाला है। फिर दोस्तों अगला बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के अध्यक्षों का चयन जो है कौन करता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में इसका सही आंसर है बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है करता है।
फिर दोस्तों 74 पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए बोल रहा है। तो 74 का जो है आप बिल्कुल कमेंट करके इसका जो है आंसर जो है कमेंट करके बिल्कुल मेरे को बताना। फिर दोस्तों 75 पर आते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एवं वोल्टी वाइज ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच अंतर क्या है। तो 75 का आंसर दोस्तों डी इसका सही आंसर है। डी में बोल रहा है ना तो एक है ना ही टू है, तो इसका सही आंसर है ये LTE के को साधारण 3G के रूप में भी वर्णित है, ये वोल्टी को साधारण तो इसका जो है यानी कि डी यानी ना ही एक है ना ही दो है, दो है जी हाँ दोस्तों। फिर दोस्तों 76 पर आते हैं जिसपे है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। तो 76 का आंसर है दोस्तों यानी कि 76 का आंसर है इसका जो है 76 आंसर जो है डी, डी इसका जो है सही आंसर है। डी पर क्या बोल रहे हैं इसको देखते हैं, डी जो है एक दो और तीन तीनों ही इस संदर्भ में सही हैं। तो अपना जो है आप जो टिक लगाए हैं उसको जो है आप इससे मिलान कर लीजिए। 77 का आंसर है जो है 77 का आंसर है जो डी है निर्माण परिमित संबंध कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है, तो इसका जो है डी सही आंसर है। फिर 278 पर आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में विस्तृत उत्पादक दायित्व यानी कि आरंभ किया था। तो इसका आंसर दोस्तों 78 का आंसर होगा आपको बी इसका जो है सही आंसर होने वाला है बी पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 2019 यानी 1919 इसका सही आंसर है। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है। तो दोस्तों 79 का आंसर आपको मैं बता दूं तो इसका जो है सही आंसर जो सी है, सी इसका जो है सही आंसर है सी जो है प्रमाण प्रासंगिक प्रभार विपणन लागत। फिर दोस्तों 80 का आंसर आपको बता दूं कि जो है 80 में जो है डी इसका जो है सही आंसर है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, जी हाँ दोस्तों इसका यही सही आंसर है। फिर दोस्तों इसका जो है 80 पर आते हैं, फिर दोस्तों 81 पर आते हैं, यह दोस्तों 81 है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए बोल रहे हैं। तो 81 का आपको सही आंसर बता दूं तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर जो है ना तो डी सही है, ना तो डी ना तो वन और ना ही टू। तो इस पर बोल रहे हैं भारत के संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए बोल रहे हैं, तो इसका दोनों ही कथन गलत है। भारतीय विधि यानी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारी नहीं होगी और भारत के संविधान के संदर्भ में किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यह गलत है दोस्तों। फिर दोस्तों 82 पर आते हैं, 82 पर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। तो 82 का आंसर केवल ए है, केवल ए से है क्रय शक्ति समानता परचेंजिंग पावर पैरिटी पीपी जो है विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में तुलना की जा सकती है। फिर दोस्तों अब आते हैं 83 पर, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में कथनों पर जो है विचार कीजिए बोल रहा है। तो दोस्तों 83 का आंसर जो है बी होने वाला है, बी पर बोल रहा है केवल 2, 3 और 4 इसका जो है, इसका 3 जो है सही है, 2, 3, 4 जो है इसका सही आंसर। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसल की खेती के संदर्भ में तो इसका जो है 3 सही है। आप देख आप गलत लगता है तो इसका जो है सही आंसर हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। फिर आते हैं 84 पर, 84 का सही आंसर आपको मैं बता दूं कि इसका डी है वनस्पति तेल जो है इसका जो है सही आंसर। भारत द्वारा आयातित कृषि सिंजों में जो है पिछले 5 वर्षों में अधिक वर्षों में निम्नलिखित में से जो है एक कम मूल्य के आधार पर अधिकतम आय रखता है, तो इसका जो है वनस्पति तेल है। फिर 85 पर आते हैं, इसका जो है आंसर है डी इसका जो है सही आंसर होने वाला है, जी हाँ दोस्तों इसका जो है डी जो है इसका सही आंसर है। तो बोल रहे हैं जो है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर बोल रहे हैं,
यह दोस्तों आप जो है जो जो टिक लगाएं इस पर जो है आप सही आंसर लगा सकते हैं, सही पर टिक और कितने नंबर बनता है इसको आप जोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यह जो है दोस्तों इंग्लिश में है, इंग्लिश में नहीं ना बताकर आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना दोस्तों, हम जो है आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित जो कथन है कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो दोस्तों 86 का आंसर आपको बता दूँ कि इसका जो सही आंसर सी है, विदेशी वाणिज्य उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाता है। फिर दोस्तों इसका अब आते हैं 87 पर, तो 87 का आंसर जो है सी होने वाला है, सी पर जो है केवल 3 बोल रहा है, तो इसका जो है सही आंसर सी का जो है केवल जो है 3 है इसका जो है सही आंसर। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है को समेकित प्राणी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जी हाँ दोस्तों इसका ही आंसर है। फिर 88 पर आते हैं, इसका जो है सही आंसर है दोस्तों सी, इसका भी सही आंसर है, यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन इसका जो है सही आंसर है। तो यह जो है आपको बता दो कि यह जो सेट ए है, सेट ए का जो है आंसर आपको बता रहा हूँ। हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोगी क्षेत्र के प्राथमिकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक मसौदे पर जो है हस्ताक्षर किए। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अमेरिका से जो है इस पर डील किए हैं। फिर 90 पर आते हैं, इसका जो है सही आंसर सी है, संविधिक नगदी अनुपात में वृद्धि। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक जो है मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किसके एक साथ बढ़ता है दोस्तों, तो उसका जो है सही आंसर वो मिल गया आपको वहाँ पर। फिर दोस्तों अगला है मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, तो इसका जो है सही आंसर बी है। बी पर देखते हैं इसका क्या है, इसका जो है 3 और 4 जो है सही आंसर है, 3 और 4 3 और 4। जी हाँ दोस्तों फिर 92 पर आते हैं, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है, तो इसका सही आंसर डी है, भारतीय उप महाद्वीपों के इतिहास में एक भूगर्भित भूवैज्ञानिक काल्पनिक है। फिर दोस्तों 93 पर आते हैं जिसका सही आंसर है बी, बी इसका जो है सही आंसर है। जी दोस्तों इसका जो है बी जो है सही आंसर है, बी पर बोल रहा है कि विज्ञान में जो है विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ हमें कौन सा निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो इसका जो है यही है, प्रयोगशाला द्वारा कृत्रिम प्रज्ञात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। फिर दोस्तों 94 पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार गई डिजिटल हस्ताक्षर, तो 94 का आंसर दोस्तों सी होने वाला है, जो सी सी का जो है 3 सी का जो है सी का जो है केवल जो है 3 इसका सही आंसर होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति यह सूचित करता है कि यह पूर्णतः अंश अपरिवर्तित है। फिर दोस्तों 95 पर आते हैं, 95 का आंसर आपको बता दूं इसका डी सही है, 1 2 3 तीनों ही इस विषय में जो है सही हूँ। फिर दोस्तों अब आते हैं अगले पर, फिर 96 पर आते हैं, आरएनए अंतरक्षेप आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय हासिल की है। दोस्तों 96 का आंसर इसका जो है कमेंट में बताना, मेरे को जो है पता नहीं है इसका आंसर, तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों 97 पर आते हैं जिसका आंसर है डी, डी इसका जो है सही आंसर है, इसमें वैज्ञानिक को विलक्षण सिंगुलैरिटी सिंगुलैरिटी को समझाना सुकूर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों जो बोल रहे हैं 97 का, हाल ही में वैज्ञानिक ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश दूरवर्ष विशाल का ब्लैक होल के विलय का प्रेक्षण किया, इसका क्या महत्व है बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, कुछ वैज्ञानिक ने विलक्षण जो है सिंगुलैरिटी को समझाना रहने की सुकर बनाया। फिर निम्नलिखित कथनों पर भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषधि प्रतिरोध होने के कारण को पूछा है, दोस्तों इसका भी आंसर नहीं है मेरे को, जी यह दोस्तों कमेंट करके बताना। फिर 99 पर आते हैं, प्राय समाचार में आने वाले CS9 प्रोटीन क्या है, तो इसका बी सही आंसर है, बी जो है इसका जो है सही आंसर है,
भी जो है रोगियों में रोग जनकों को ठीक करने पहचानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर दोस्तों सर्वे पर आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सौ का आंसर दोस्तों बी है, बी इसका जो है सही आंसर नहीं है, बी जो है यही इसका जो है सही आंसर नहीं है। यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत बी का टीका नहीं होता, इसका ये यही सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।